हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड यूनिक होने वाला है, और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत लंबे समय के बाद मैं इस रीडिंग को बना रही हूँ, सोलमेट पे रीडिंग। ठीक है, मतलब कि आपके जो सोलमेट होंगे वो कौन होंगे मैं आपको बताने वाली हूँ इस रीडिंग में। देखिए, सोलमेट जो है ना वो बहुत डिफरेंट एंड बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक ही सोलमेट होते हैं आपके। ठीक है, बहुत सारे सोलमेट होते हैं आपके लाइफ में, और कुछ लोगों के कुछ ही सोलमेट मिल पाते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ लोगों के कोई भी सोलमेट नहीं मिल पाते हैं, लेकिन सोलमेट होते सबके ही हैं। ठीक है, तो आपके कितने सोलमेट हैं और आगे आने वाले टाइम में आपको कितने सोलमेट मिल सकते हैं आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, तो आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कितने सारे जो आपके सोलमेट है वो इंटर करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है वो आपके सोलमेट फ्रेंड भी हो सकते हैं। आपके लव लाइफ में जो इंटर करने वाले जो सोलमेट होंगे स्पेशली उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि उनसे आपकी शादी हो जाए, उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ जाओ, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। एंड सोलमेट कनेक्शन वैसा होता है कि जिस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उस पर्सन के साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, और वो पर्सन भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपकी रीडिंग में, तो ये आपको पता चल जाएगा। काउंट करके मैं आपको बता दूंगी कि कितने सोलमेट आखिर आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए उस पर्सन की, तो उस पर्सन का पर्सनालिटी क्या होगा, जोडियक साइन क्या होगा, मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कि आपके जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे, साथ साथ उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, जब कभी आप उस पर्सन को देखो तो कैसे पहचानोगे मैं आपको बता दूंगी, और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे, आप उस पर्सन को कैसा ट्रीट करोगे, आप दोनों के बीच की बाउंडिंग कैसी होगी, और फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग का मतलब जो सोलमेट कनेक्शन होता है ना वो बहुत लंबे समय तक का नहीं होता है। कुछ सोलमेट ऐसे भी होते हैं जो कुछ दिनों के लिए आते हैं, ठीक है, चंद लम्हों के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं, खुशियाँ देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, मेमोरीज देते हैं, और फिर उन्हें जाना भी पड़ता है। ठीक है, ऐसे भी कुछ सोलमेट होते हैं, तो वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये रीडिंग। ठीक है, और वो कौन से स्टेट के होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, और मैं आपको ये भी बताऊँगी उनका नेम इनिशियल क्या होगा, साथ साथ वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, उनका क्या प्रोफेशन है, वो किस तरह से आपके लाइफ में रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, क्या वो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं, सब कुछ पता चल जाएगा। तो बहुत कुछ है, अभी तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन आगे आपकी रीडिंग में मैं सब कुछ बताऊंगी कि कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, कब वो आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब कुछ। ठीक है, किस प्लेस पे फर्स्ट टाइम मिलेंगे ये भी। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन भी है आपका, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक क्लिक कीजिए और आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, इसलिए आपको अवेयर रहना है। ठीक है, और राइट, वो सारे नंबर फ्रॉड के होते हैं। टाइमलेस रीडिंग है आपकी, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी, आप आराम से देख सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, या फिर डिवोर्स हुआ है आपका, या फिर अगर आप मिंगल हो, सिंगल हो, ठीक है, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपका हक बनता है। ठीक है, आपका जानने का हक बनता है कि आपके सोलमेट कौन है, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अगर आप मैरिड भी हो तो देख सकते हो कि क्या आपके हस्बैंड आपके सोलमेट है, क्या आपकी वाइफ आपके सोलमेट है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी। ठीक है, एंड मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाई सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। ठीक है, अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाई वन आपकी रीडिंग होगी, और अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाई टू आपकी रीडिंग होगी, दिस वन। ठीक है, एंड देन है यहाँ पे आपके लिए दिस वन, ये है पाई वन के लिए, गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड है, दिस इज फॉर पाई वन। एंड यहाँ पे है दिस वन, हैथोर का कार्ड है, एंड यहाँ पे ये इजिप्शियन गॉड का कार्ड है, गॉडेस भी बोल सकते हैं, दिस इज फॉर पाई टू। ऑलराइट, सो आपको इंटुटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहेगुरु, जिससे भी आप मानते हो, जिस भी गॉड गॉडेस में आप बिलीव रखते हो, यूनिवर्स में बिलीव रखते हो, जिस भी हायर पावर में, उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे।
हेलो पाइल वन, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपने अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किया है। गॉडेस लक्ष्मी चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और मैं देखती हूँ कि आपके कौन है सोलमेट। स्पेशली हम आपके लव लाइफ में जो इंटर करने वाले सोलमेट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और वैसे और भी कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, बुकिंग आप लोग करवा सकते हो। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। एरिस का कार्ड है, सन का कार्ड है, बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, 12th हाउस का कार्ड है, वेनस का कार्ड है। ओ माई गॉड, आपकी पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा लुक्स वाइज माइंड ब्लोइंग होंगे, अमेजिंग होंगे। ओके, चलिए तो ये इतने जो कार्ड्स आए, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, अच्छे से बता देती हूँ कि आपके जो सोलमेट है वो कैसे होंगे। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में सोलमेट इंटर करने वाले हैं वो सभी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे फिलहाल तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके लाइफ में कोई एक ही सोलमेट इंटर करने वाले हैं, और वो सोलमेट कब तक इंटर करेंगे वो तो मैं आपको स्पेशल कार्ड्स लेकर बताऊंगी, लेकिन ये पर्सन कैसे होंगे आप ये जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए, जो आपके लाइफ में, जो आपकी स्पेशली लव लाइफ में इंटर करने वाले सोलमेट हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में प्रॉब्लम झेल रहे हैं, या इन्होंने अपने लाइफ में प्रॉब्लम झेला है पास्ट के टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे पर्सन होंगे जो कि मतलब गवर्नमेंट जॉब में होंगे। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना, इन्होंने हो सकता है उस गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन भी दिया होगा और फिर से कोई नई जॉब की प्रिपरेशन की होगी, ऐसी यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपने आँख से, खुले मतलब आँखों से इन्होंने देखा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत ज़्यादा बेमानी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनसे मतलब बर्दाश्त नहीं होती, इनको अच्छा नहीं लगता। मतलब कोई किसी के साथ बुरा करे, कोई किसी के साथ करप्शन करे, बेमानी करे, ठीक है, कोई किसी और का पैसा ले ले, तो ये सारी चीज़ें सह नहीं पाते हैं। हो सकता है कहीं इन्होंने देखा होगा, अपने वर्क प्लेस पे देखा होगा, हो सकता है कि इनके साथ कुछ बेमानी हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ऐसे इन्वायरमेंट से ये दूर रहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है किसी और स्टेट के है अभी, लेकिन उस स्टेट में वो रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा हो सकता है कि उस स्टेट को छोड़कर ये पर्सन आपके स्टेट में शिफ्ट होने वाले हैं या फिर आपके कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन के टाइम से ही इन्होंने बहुत सारा ऐसा चीज़ देखा है जो कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब वो इस तरह के माहौल में रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। हो सकता है कि इनके जो मम्मी पापा रहे होंगे उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अनबन रहती होगी, पटता नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते होंगे। तो मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जो आपके सोलमेट है ये प्यार के बहुत ज़्यादा ट्रस्टी दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि मुझे बहुत प्यार करे। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा वॉयलेंस, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत कुछ देखा है। ऐसा नहीं कि ये खुद चिड़चिड़े हैं, मतलब इन्होंने किसी तीसरे, किसी चौथे, किसी पाँचवें पर्सन से ऐसा फेस किया है, फिर भी वो डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी में रहकर भी ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्रो किए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में ये जो पर्सन है एक बहुत बेस्ट इंजीनियर होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पर्सन एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के ये पर्सन हो सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू से इसलिए बताया कि ये पर्सन का फ्यूचर और मतलब पास्ट कैसा रहा होगा, फ्यूचर तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पास्ट इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को टॉलरेट करने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इनके मन में ना एक ये है, डिज़ायर है, सपना है, और उस डिज़ायर और सपना को पूरा करने के लिए इन्हें चाहे कितना भी फेस पार क्यों ना करना पड़े, कितने भी डिफ़िकल्टी भरे, कांटे भरे जो बात है उसको पार करना पड़े, ये कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको अपना ड्रीम पूरा करना है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब अपने टीनेज के टाइम में, जब अपने बचपन के टाइम में लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इन्होंने उस टाइम अपने चाइल्डहुड को अच्छे से नहीं जिया है, ये भी ऐसा हो सकता है। ना ही इन्होंने टीनेज के टाइम को बहुत ज़्यादा खुल के जिया है या बहुत ज़्यादा रोमांस किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि रोमांटिक नहीं है, बहुत रोमांटिक है, बहुत कुछ है इस पर्सन के अंदर, लेकिन ये हर एक चीज़, अपना प्यार, अपना रोमांस एक परफेक्ट पर्सन को देना चाहते हैं। ठीक है, और मतलब इनको कभी ऐसा मौका भी कभी मिला ही नहीं है लाइफ में। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत लंबे समय से वॉयलेंस और करप्शन जैसे चीज़ों को देखा है,
और उस सारी चीज़ों से निकलकर एक अच्छा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि ये मुझे पूरी तरह फुलफिल दिखाई दे रहे हैं, स्टेबल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, रिच पर्सन होंगे, अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करते होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि संस्कार इनको जो मिला है वो अच्छा मिला है, लेकिन इनके जो पेरेंट्स रहे हैं ना, पेरेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है झगड़ा होता होगा, उसके वजह से इनके फ्यूचर पे और हो सकता है कि इनके लाइफ पे अफेक्ट पड़ा है, और इसी वजह से ये अपने लाइफ को खुलकर अब जीना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि मुझे एक सोलमेट पर्सन मिल जाए, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब आप इनके लाइफ में इंटर करोगे तो डेफिनेटली एक गॉडेस लक्ष्मी की तरह आप इस पर्सन के लाइफ में इंटर करने वाले हो, ठीक है। एंड वाइस वर्सा की एनर्जी है, जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो ये भी एक लक्ष्मी की तरह ही होंगे, आपके लाइफ में फॉर्च्यून मतलब गुड लक की तरह एंटर करेंगे, और आप भी इनके लाइफ में गुड लक की तरह ही इंटर करोगे, क्योंकि सोलमेट हो एंड सोलमेट की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है। तो जितना आप इनको खुशियाँ दे रहे हो उतनी ज़्यादा खुशियाँ ये भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन होंगे ब्यूटीफुल होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, और यहाँ पे एक और बात है, हो सकता है कि आप अपने आप को ब्यूटीफुल मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन किसी एक पर्सन के लिए अगर आप ब्यूटीफुल हो गए तो पूरी दुनिया ब्यूटीफुल है, सब कुछ अच्छा है, और वो किसके लिए होना चाहिए, आपके सोलमेट के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके डिस्टेंट पार्टनर के लिए। एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो सोलमेट है उनसे तो 100% शादी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और वो जो पर्सन है उनके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, उनके लिए आप एक ब्यूटीफुल पर्सन हो गए, दिल से भी और बाहर से भी, आउटर ब्यूटी इनर ब्यूटी हर एक चीज़, ठीक है। तो अब जब उनके नज़र में आप परफेक्ट हो तो आपको किसी और की नज़र में परफेक्ट बनने की क्या ज़रूरत है। तो उनको आप बहुत अट्रैक्टिव भी लग रहे हो, अच्छे भी लग रहे हो, और आपको भी वो लगेंगे। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा खुश भी रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये मेटेरियलिस्टिक थिंग से भर देंगे, ठीक है। जब भी आप इस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे या फिर आप दोनों एक हो जाओगे तो ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ये आपका जब फर्स्ट बर्थडे आएगा तो उस टाइम ये आपको गोल्ड वगैरह का कुछ फर्स्ट टाइम गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत धन दौलत है, लेकिन इंसान ही नहीं है जिसके लिए कुछ कर सके, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इनके जो पेरेंट्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं, ठीक है। इनको साथ रहना पड़ता भी होगा तो बच्चों की वजह से, ठीक है, इन लोगों की वजह से ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने बहुत प्रॉब्लम झेला है, फिर भी ये जो पर्सन है सेक्रीफाइस करके लाइफ में आगे बढ़ गए। जिस टाइम इनको एंजॉय करना था, मस्ती करना था कॉलेज के टाइम में, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना समय अपने पढ़ाई पर दिया, और दैट्स ये बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, अच्छा किया इन्होंने, नहीं तो हो सकता वो बिगड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे कभी ये बिगड़े नहीं, ठीक है। इनकी जो पाथ रही वो क्लियर रही, कोई रहा या नहीं रहा, ये जो भगवान है, ये जो यूनिवर्स है, इस भगवान और यूनिवर्स पे आपके सोलमेट का बहुत ही ज़्यादा भरोसा होगा, ठीक है। और इसी वजह से ये जो यूनिवर्स है ना, उसको कभी भी बिगड़ने नहीं दिया होगा, बिल्कुल सही राह पे ये इसी वजह से चले हैं, ठीक है। और इनकी सोच, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये 10th में होंगे या 8th 9th में भी होंगे ना, तब से ही ये बहुत ज़्यादा समझदार है, आपके जो सोलमेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये पर्सन, और अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल है, ठीक है। पास्ट के बारे में मैंने बताया कि प्रॉब्लम झेला है इन्होंने, लेकिन अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लाइफ में क्या है, शांति है, पीस है, हार्मनी है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस का कार्ड आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है आपके पर्सन की, ठीक है। सबसे पहली बात, ये पर्सन जो है उन लोगों से ही बात करना पसंद करते हैं जो इनकी इज्जत करते हैं, जो इनकी इज्जत नहीं करते उन लोगों से बात ये करते भी नहीं है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगा और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होगा, मतलब कि अगर आप 100% रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपको 100% रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप गुस्से में बात करोगे तो हो सकता है वो भी गुस्से में बात करे, आप हो सकता है झगड़ा कर लो तो वो भी झगड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे ना हर एक चीज़ में मुझे इक्वालिटी दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। और फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो इनका अपीयरेंस मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ब्यूटी की अगर बात की जाए तो आइज़ इनका बहुत अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, ब्लैक आइज़ हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। और ब्राउन आइज़ भी होने के चांसेस है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ब्लैक आइज़ दिखाई दे रहा है। और स्ट्रेंथ बहुत होगा, मतलब हिम्मती पर्सन होंगे, दिल से भी हिम्मती होंगे, और बॉडी की बात की जाए तो बॉडी वाइज भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखते होंगे, ठीक है। इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब है कि इनका खुद का ही जो है रूल एंड रेगुलेशन होगा, बहुत सारे गोल्डन रूल्स होंगे, एंड उसी रूल को फॉलो करके ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, ना ही किसी का सुनना पसंद है इनको और ना ही किसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग चलने वाले पर्सन हैं, लेकिन हाँ ये फॉलो उसको ज़रूर करेंगे जो इनके सोलमेट होंगे। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग इनके तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, बहुत सारी लड़कियों ने इनको प्रपोज भी किया होगा। ठीक है, बहुत सारे लड़के भी इनको प्रपोज किए होंगे, मतलब आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, नहीं तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ होता है, इसलिए मैं दोनों तरीके से बोल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि प्रपोजल इनको बहुत मिला है, लेकिन ना इनको किसी के साथ उतना मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे इसके साथ रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी इन्होंने कोशिश भी किया होगा, कोई रिलेशनशिप वर्कआउट किया भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन ये कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, ये तो एकदम डायनामिक एनर्जी वाले पर्सन हैं और ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, आप देखोगे। और हाँ, आप इस पर्सन के लाइफ में एंटर करोगे तो और भी चार चांद लग जाएगा। ठीक है, जब एक लकी पर्सन जो है आपको मिल रहा है तो आप भी बिल्कुल चमकोगे। ठीक है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप भी उनके लकी हो बिल्कुल डेफिनेटली लकी हो उनके लिए, तो वो भी बिल्कुल उनके चेहरे पे चार्मिंग होगी, उनके लाइफ में चार्मिंग होगी। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा इस कार्ड को क्लियर कर देती हूँ लुक्स के लिए। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो इनका जो है ना वेवी हेयर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वेवी हेयर है और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना बोल्ड पर्सन होंगे, इनकी पर्सनैलिटी बहुत बोल्ड होगी, एंड मे बी ये आउटस्पोकन भी हो सकते हैं, मतलब जो दिल में है वो कहते होंगे। उसके बाद नेचर भी है यहाँ पे कुछ, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है ना छूट जाती हैं, तो मैं आपको उस दौरान ही बता देती हूँ, ठीक है, रीडिंग के दौरान। एंड इस पर्सन का स्ट्रेट नोज हो सकता है। ठीक है, एंड इस पर्सन का ब्लैक आइज होगा, एंड इनकी एनर्जी फिर्म होगी, एंड ये पर्सन बहुत गोरे, बहुत फेयर भी हो सकते हैं, बहुत फेयर भी हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है कि पेल बीच इस पर्सन का कलर हो सकता है। फेयर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके जो पर्सन है वो काफ़ी प्रिटी होंगे, प्रिटी होंगी, अट्रैक्टिव होंगी। ठीक है, हो सकता है कि डिम्पल्स वगैरह होते होंगे इनके गालों में, एंड उसके बाद क्यूटी पाई बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती होंगी, दिखते होंगे। एंड ये पर्सन बहुत खुश रहने वाले पर्सन होंगे। ठीक है, इसमें नेचर एंड लुक्स दोनों ही हैं, और देखते हैं क्या है इनके लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट, आपके जो सोलमेट है उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो पर्सन है आपके ट्रू लव होंगे। आलमंड आईज हो सकता है इस पर्सन का। एंड यहाँ पे कुछ लास्ट में आपको बताती हूँ, सुपर क्यूट होंगे, एंड ये पर्सन फिट होंगे, एंड ये पर्सन ब्रेव होंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि एक सॉलिड पर्सन आपको मिले जो कि मुझे प्रोटेक्ट करे, जो अगर कोई मुझे मेरे ऊपर उंगलियाँ उठाने की कोशिश करे तो जो है उसको बहुत अच्छे से सबक सिखा दे, मेरे पर्सन ऐसे होने चाहिए, तो एग्जैक्टली आपको वैसे ही पर्सन मिल रहे हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना फॉरेन में भी हो सकता काम करते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई फॉरेन के साथ कुछ कनेक्शन ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड खुद बता रहे हैं, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलती हूँ, नो बटरिंग। जो कार्ड्स बोलते हैं, जो टैरो बोलते हैं, वही मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो पर्सन है हो सकता है ना कि ये फॉरेन में रहते होंगे, ये चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि ये पर्सन IFS ऑफिसर हो सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, और ये पर्सन अकेले रह के ही ना बहुत सारे जिम्मेदारियों को निभा भी रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस किया है, मैंने आपको शुरू में बोला था, और यहाँ पे कार्ड जब मैं देख रही हूँ तो आ चुका है। मतलब दूसरों की खुशी के लिए ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर जाते हैं, और कभी दिखाते भी नहीं है कि मैंने देखो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, बढ़ चढ़ कर सुनाते भी नहीं है, इस तरह की इस पर्सन की पर्सनैलिटी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, सिबलिंग्स के लिए, रिलेटिव के लिए, फ्रेंड्स के लिए हमेशा सेक्रीफाइस करते आए हैं, और इन्होंने बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके लिए भी सेक्रीफाइस कर जाएंगे। अगर आप बोलोगे कि 2 साल रुक जाओ, 4 साल रुक जाओ, ये डेफिनेटली रुक जाएंगे आपके लिए। ऐसा यहाँ पे हो सकता है, हो सकता है कि पढ़ाई के एंड करियर के वजह से आप दोनों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो ये पर्सन आपका वेट कर लेंगे। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और हाँ, फ्रीडम बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के इस बाउंडिंग में, तो आपके जो पर्सन है वो आप पे बिल्कुल आग बन करके ट्रस्ट करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपको अब ऐसे पर्सन मिलने वाले हैं कि जिसपे आप डाउट नहीं करोगे। ठीक है, आपको हमेशा लगता आया होगा कि कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन में रही थी तो मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से ही रिलेशन ख़त्म हुआ, लेकिन नहीं। अगर आपने शक भी किया था उन लोगों पे, कोई भी आपका पास्ट का रिलेशन रहा होगा, तो वो उसमें आपका कुछ गलत दिमाग नहीं था। ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि आपने शक भी किया था तो वो सच सही निकला होगा बाद में। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अपने अंदर आपको दोष निकालने की ज़रूरत नहीं है,
सामने वाला पे शक इंसान तभी करता है जब उसकी उस एक्टिविटी को देखता है, बुरी एक्टिविटी को देखता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अब जो रिलेशन में आओगे, जो ये पार्टनर होंगे, इस पे आप शक नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि ये आपको पूरी तरह इमोशनली फ्रीडम देंगे कि हाँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ और मैं किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे लॉस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें गेन की है तो बहुत सारी चीज़ें लॉस भी हुई हैं, लेकिन कुछ सालों से अब ये पर्सन अपने लाइफ में बिल्कुल स्टेबल है। बहुत सारी चीज़ें गेन होती चली जा रही है, गेन होती चली जा रही है। इनका हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है? ये हो सकता है इनका काम बनते रहता होगा, फॉरेन में आने जाना चलता रहता होगा। हो सकता है कि पर्सन एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस दौरान भी कुछ टेस्टिंग वगैरह के लिए इनको कहीं बाहर जाना पड़ता होगा, किसी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए बाहर जाना पड़ता होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए। तो इनका इतना आप समझ लो, ये फॉरेन आते जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो इनका वो रुतबा होगा तब तो, है ना? वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, इसका जोडिक साइन एरिस हो सकता है, ठीक है? एरिस है एंड ये पर्सन बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन है। ये कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं, ना ही प्यार में, ना ही किसी भी चीज़ में। हो सकता है कि प्यार के चक्कर में वो आपके ऊपर पूरी तरह लट्टू हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। वैसा वो सोचेंगे कि नहीं, मैं नहीं होने वाला, लेकिन ये हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ऐसा होगा तो ज़्यादा अच्छा है ना। जब कभी भी आप दोनों अलग भी होगे तो ये 1 मिनट भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ठीक है? तो वो सारी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके जो पर्सन है वो कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद करते नहीं होंगे, ठीक है? और ये पर्सन इंडिपेंडेंट रहना ही पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है हर तरीके से इंडिपेंडेंट, ठीक है? इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से ये बैलेंस्ड है। और इनका बॉडी की बात की जाए तो बॉडी बहुत ज़्यादा इनका साथ देता होगा, बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? ये चीज़ है। इनका अपना खुद का रूल रेगुलेशन मैंने आपको बता दिया, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करते हैं। पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, स्लिम होंगे और फिट होंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? इनका कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है, ठीक है? जिस हो सकता है कुछ लोग इनके अंदर काम करते होंगे। उसके बाद करेजियस भी होंगे आपके पर्सन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, सुपीरियर कॉन्फिडेंस होगा इस पर्सन के अंदर। और ये अपना एक भी समय, एक भी पल ना बर्बाद नहीं करना पसंद करते हैं, ठीक है? और एकदम ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहते हैं जो अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इनको वैसे ही लोग पसंद है जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड अपने लाइफ में किए हुए हैं, सब कुछ प्लान्ड है। तो वैसे लोगों को ये ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी इंसान से हेट कर रहे हैं, लेकिन इनको पसंद कैसे लोग आते हैं जो अपने लाइफ में वर्क कर रहे हैं, जिनके लाइफ का कुछ पर्पस है, वैसे लोग इनको ज़्यादा पसंद आते हैं, ठीक है? कोई भी काम को एकदम स्ट्रीम लेवल तक लेकर जाते हैं और उसको एकदम जीत लेते हैं, वैसी एनर्जी है इस पर्सन की। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इनकी लीडरशिप क्वालिटी है। मतलब चाहे ये किसी भी जॉब में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव में हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, ठीक है, चाहे इसरो में हो, कहीं भी हो, कुछ भी चीज़ों में हो, रिसर्चर हो, वहाँ पर ये पर्सन लीडर होंगे, ठीक है? वहाँ पर ये पर्सन सीनियर होंगे, ठीक है? ये लोगों को गाइड करते होंगे, लोगों को इंस्पायर करते होंगे, लोगों को मोटिवेट करते होंगे, कभी कभी लोगों को डांटते भी होंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये हमेशा अपने लाइफ को बिल्कुल प्लान बनाकर और पेशेंस के साथ चलने वाले हैं, ठीक है? अगर इनको कोई 4 बातें बोल भी देता है ना, तो ये चुप हो जाते हैं, कोई उसके बदले रिएक्शन नहीं देते हैं, अपने एक्शन से ही ना ये दिखाते हैं लोगों को, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो भी दुश्मन रहे होंगे या फिर जो भी इनके ऊपर टॉन्ट किए होंगे ना, वो सारे लोग आज इनके वेल विशर बन गए हैं, ठीक है? ताकि मुझे भी इससे कुछ मदद मिल जाए, ऐसा बोलते होंगे सारे लोग। उसके बाद यहाँ पे रेडिएंटिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है, इनके पास कुछ ना कुछ पावर मुझे दिखाई दे रहा है, अथॉरिटी दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये ऐसे पर्सन है ना, इनके जो भी दोस्त होंगे, जो भी फ्रेंड होंगे, जो भी कलीग्स होंगे या फिर वर्क प्लेस पे होंगे, सारे लोग ना इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक रीज़न के वजह से डिपेंडेंट है। और सभी को पता है कि ये एक काम जो है सिर्फ इनके वजह से ही हो सकता है, और ये नहीं रहेंगे तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि इनके साइन में, ये जो सिग्नेचर करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पावर हो सकता है, एक सिग्नेचर में बहुत ज़्यादा दम होगा। अगर वो सिग्नेचर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि किसी का काम ही ना बने, ठीक है? तो वो पावर, वो अथॉरिटी इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन के लाइफ में दिखाई दे रहा है। लीडरशिप क्वालिटी तो है ही, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट है ये पर्सन, ठीक है? अपने डिग्निटी को जो ना है बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करते हैं, एंड लॉयल्टी।
अगर एक बार बोल दिया ना कि ये चीज़ मैं कर दूंगा, ये चीज़ मैं कर दूंगी, तो करके ही रहेंगे, ठीक है, मतलब कमिटमेंट के पक्के होंगे एंड ये लॉयल बहुत ज़्यादा होंगे, सोच समझ कर कमिटमेंट देने वाले होंगे, लेकिन देते ज़रूर होंगे कमिटमेंट, ठीक है। एंड आपको जब ये कमिटमेंट मिलने वाला है इस पर्सन से, तो आप सोच लो कि कितना ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि पूरे डिटरमाइंड होकर ना इस पर्सन, ये जो पर्सन है, आपको प्यार भी करेंगे, रिलेशनशिप भी निभाएंगे, तो ये बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छा वाइब आ रहा है मुझे इसको रीड करते हुए, आपकी रीडिंग को करते हुए, ठीक है, ये चीज़ है। और हाँ, ऐसा है ना कि इनको ग्रुप में काम करना कुछ खास पसंद नहीं है, हाँ करना पड़ता है तो वो कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो भी काम कर रहा है इनके अंदर सारा क्रेडिट खुद के लेते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सोचते हुए सब मेरे अंडर काम कर रहे हैं, सबको मैं दे भी रहा हूँ, फीस दे रहा हूँ, फीस दे रही हूँ, तो ये क्रेडिट भी ना खुद लेते होंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफकोर्स लेना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना जब अपना एम्पायर खड़ा किया है और सभी लोग को जॉब दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो क्रेडिट तो लेंगे ना, ये चीज़ है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके पर्सन की, मैं बिल्कुल प्रे करूंगी कि आपको एग्जैक्टली वैसे ही पर्सन मिले जैसा आप चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल एकदम सुपर एनर्जी वाले हो। और अब बात की जाए इस पर्सन के नेचर वगैरह की, तो ये बहुत मैनर में अपने काम को करते होंगे, ठीक है, उसके साथ साथ ये पर्सन एक आर्टिस्ट पर्सन होंगे, हो सकता है कि कुछ गिने चुने लोगों को ही पता होगा ये पर्सन एक आर्टिस्ट भी है, ठीक है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या फिर कुछ पेंटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि शौक जो है ना, ये पर्सन शौक को अपने अंदर तक ही रखते हैं, अपने फैमिली तक सीमित रखते हैं, अपने फ्रेंड्स तक सीमित रखते हैं, मतलब इनका ये शौक नहीं है कि मैं पूरी दुनिया को दिखाऊं, हो सकता है कि इनका एक्टिंग बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा, मतलब हो सकता है बीट बॉक्सिंग करते होंगे, म्यूज़िक में हो सकता है इनका इंटरेस्ट अच्छा होगा, लेकिन ये शो नहीं करते होंगे, बस अपने सोल सेटिस्फैक्शन के लिए इन्होंने म्यूज़िक सीखा है, या फिर हो सकता है पोइट्री वगैरह होगा इनका, शायरी वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। सो अपने आप को लेकर ये पर्सन बहुत प्राउड फील करते हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी मिली है, लाइफ पर्पस मेरा बहुत बड़ा है, और मैं बहुत कुछ करने के लिए यहाँ पे इस धरती पे आई हूँ, इस धरती पे आया हूँ। देखते हैं क्या है इस पर्सन का जोडियक साइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू। देखिए, सबसे पहले टॉरस है, एंड टॉरस कार्ड आपको ये बता रहा है कि जितने ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा ये ज़िद्दी भी हो सकते हैं, तो ये पर्सन आपको अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे करेंगे, और आप भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर फील करोगे ही करोगे, एंड डेफिनेटली उस पर्सन की तरफ से भी ये कनेक्शन होगा, ओके इस पर्सन का कुछ एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, हो सकता है फॉरेस्ट में हो सकते हैं, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, ये भी चांसेस हैं, तो मतलब नेचर में ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और ऐसा हो सकता है कि नेचर से रिलेटेड ही इस पर्सन का कोई जॉब हो, ठीक है, ये चांसेस दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये पर्सन दिल के ना, मैं आपको बता रही हूँ, 110% बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होंगे, लविंग पर्सन होंगे, हो सकता है कि कोई समझा नहीं है इनको अभी तक, और ये सोचते हैं ना कि अगर कोई मुझे नहीं समझता है तो ठीक है, कोई ना आए, मैं अकेले ही रह लूँगा, मैं अकेले ही रह लूँगी, लेकिन जब तक मुझे कोई समझने वाला पर्सन ना मिले, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला, ऐसा है इनका एनर्जी। और जब ये पर्सन आपको देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि यस, आप ही वो पर्सन हो जो कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो, उनको समझ भी रहे हो, आप दो बातें सुन भी रहे हो, तो ना इनको बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन लगोगे, परफेक्ट पर्सन लगोगे। और अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, ये पर्सन जो है ना, हो सकता है कि आप बहुत सारे रिलेशन में रहे होंगे, लेकिन इस तरह के पर्सन आपको कभी नहीं मिले होंगे, और इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आप बहुत इनक्रेडिबल फील करने वाले हो। एंड देन यहाँ पे पाइसेस की भी एनर्जी है, ये पर्सन जो है, इनका जोडियक साइन पाइसेस हो सकता है, ठीक है, काफ़ी एम्पैथेटिक पर्सन होंगे, ट्रूथफुल होंगे, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, झूठ बोलना पसंद नहीं होगा, और यहाँ पे रिलीजियस हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे, ठीक है, दुआ करते होंगे, प्रेयर करते होंगे, कैंडल वगैरह जलाते होंगे जब भी चर्च में जाते होंगे, ठीक है, तो इस तरह का इनका है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, जो भी इनके गिने चुने अच्छे लोग हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उसको दिल खोल के मदद करते होंगे, प्यार करते होंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप दोनों का जो बाउंडिंग होगा उसमें ये पर्सन आपको टूट के प्यार करने वाले हैं, इनलेस लव होगा, और आपको कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, उसके साथ साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सबसे अच्छी बात है, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होता होगा ना आपका, लेकिन इस बार नहीं होने वाला है इस आपके पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ, ठीक है। ये पर्सन जो है यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते होंगे, क्वांटम फिजिक्स में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, और साथ साथ ऐसा हो सकता है
ये जो पर्सन है यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह आते हैं वो भी ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ते होंगे। देखते हैं बाउंडिंग कैसी होगी आप दोनों की फ्यूचर में। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माई गॉड, देख सकते हो डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड है। अब मैं क्या ही बोलूँ, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है आपके लिए कि यस ठीक है, आप दोनों जब एक हो जाओगे तो आप दुनिया को भूल जाओगे ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप दोनों मिलके अपने लाइफ को पूरी तरह क्या करोगे, इन्जॉय करोगे ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गले मिल चुके हो और बिल्कुल पूरी दुनिया को भूल चुके हो ठीक है। ये हो सकता है कि आपकी पेंटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बनाएंगे ठीक है। इस तरह की ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन हेल्पलेस एंड होपलेस का भी कार्ड है। देखते हैं क्लियरिफाई करते हैं कि हेल्पलेस एंड होपलेस कार्ड क्यों आया आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके कमिंग टुगेदर, तो यहाँ पे ये हेल्पलेस एंड होपलेस कार्ड है ना, दो ब्यूटीफुल कार्ड के बीच में फंस चुका है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हेल्पलेस एंड होपलेस हो सकता है कि आपका करंट सिचुएशन हो सकता है कि अभी के टाइम में आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पाथ में मैं चल रही हूँ, जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ, इस पाथ पे तो कोई भी नहीं है मुझे सपोर्ट करने वाला। लेकिन ये जो पर्सन है ना आपके लाइफ में काफ़ी जल्दी, मतलब 2 वीक के अंदर या 2 महीने के अंदर आने वाले हैं। अनकमिंग टुगेदर का कार्ड है, आप देख सकते हो, मतलब आप दोनों एक होने वाले हो। तो इसका सिंपल यही मैसेज है, ये पर्सन पूरे डेडिकेशन से प्यार करेंगे आगे आने वाले टाइम में। जो आप हेल्पलेस एंड होपलेस वाली एनर्जी में हो वो ख़त्म होने वाला है और आपके पास वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, आपको सपोर्ट दिखा रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, ये चीज़ है ठीक है। और देखते हैं कि पर्सन कब तक आएंगे, मैं आपको कुछ स्पेशल कार्ड्स लेकर बता देती हूँ। वैसे यहाँ पे दिसंबर है एंड आपके लिए है विद इन 2 वीक। ऐसा हो सकता है कि दिसंबर या विद इन 2 वीक, मैंने अभी जस्ट बोला भी है एंड यहाँ पे आ भी चुका है। एंड यहाँ पे हो सकता है ये समर के लास्ट तक ये पर्सन इंटर कर ही जाएंगे आपके लाइफ में, या रेनी सीजन। एंड रेनी सीजन तो बिल्कुल आप देख ही रहो, शुरू हो चुका है। तो हो सकता है कि ये पर्सन अब 2-3 महीने के अंदर इंटर करे, या फिर लास्ट चांस ये है कि दिसंबर में ये पर्सन इंटर करेंगे, और इसके पहले तो इंटर करना ही करना है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है इनका स्टेट क्या है, कौन से स्टेट के है ये पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, कौन से स्टेट के हैं इनके पर्सन। झारखंड के हैं ये पर्सन, सिक्किम के हैं, पंजाब के हो सकते हैं, पुडुचेरी, तेलंगाना, दिल्ली, लद्दाख, त्रिपुरा, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान एंड 2-3 लास्ट देख लेते हैं वो आपका बिहार है, मेघालय, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आसाम ठीक है, अंडमान एंड निकोबार भी हो सकता है, ये सारे ब्यूटीफुल स्टेट्स। अब देखते हैं कंट्रीज़, कौन से कंट्री के होंगे आपके पर्सन। देखिए गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर चांसेस है कि ये जो पर्सन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के होंगे, बांग्लादेश, कनाडा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, फ्रांस, म्यांमार, अर्जेंटीना एंड एक लास्ट है वो आपका श्रीलंका ठीक है। कंट्रीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज से हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है नेम इनिशियल क्या है। JIZKXHRFMWLT एंड एक लास्ट है, दो है, N है, O है एंड D है, 3 आ चुका था ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल हैं। सो मैं आपको और भी कुछ बता देती हूँ आपके पर्सन के बारे में कि प्रोफेशन क्या हो सकता है। प्रोफेशन देख लेते हैं, सबसे पहले है मैकेनिक टेक्नीशियन, पायलट हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर, हीलर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, स्टेट PCS ऑफिसर, पेंटर हो सकते हैं, मैजिशियन हो सकते हैं, बारटेंडर एंड देन है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर, गेम मेकर, गाइडर, मेंटल हेल्थ काउंसलर, सिंगर, स्टेट PCS ऑफिसर, 2-3 लास्ट है वो आपका, यूट्यूबर, साइंटिस्ट, मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट एंड ब्लॉगर ठीक है। ये सारे भी हैं इस पर्सन के लिए। सो कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ, जैसे ये पर्सन आपको कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे माई हार्ट विल गो ऑन टाइटैनिक का सॉन्ग है, जिसे मुझे तो ऐसा लगता है ये सॉन्ग सभी को पसंद होगा। एंड यहाँ पे है तुम हो मेरा प्यार, हॉन्टेड मूवी का सॉन्ग है। एंड यहाँ पे है तेरा ही रहूँ, गजेंद्र वर्मा एंड एक लास्ट है वो आपका ओ मेरी जान, लाइफ इन अ मेट्रो। सॉन्ग्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं ठीक है, बहुत मीनिंगफुल हैं, जो कि आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
यहाँ पे एक लास्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको कहाँ मिल सकते हैं, ठीक है? देख लेते हैं, फूड कोर्ट, अदर कंट्री, अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी मिल सकते हैं, एंड ये पर्सन जो है आपको फ्रेंड्स के घर पे मिल सकते हैं, कैफे में मिल सकते हैं, एंड म्यूजियम, बेकरी, होम, ट्रेन स्टेशन, किसी होली प्लेस में मिल सकते हैं, टेंपल, वर्क प्लेस, फैमिली, फैमिली के बाद है आपका यहाँ पे एयरपोर्ट, सेमिनार, जिम, ठीक है? ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि कैसे बाउंडिंग रहेगी, कौन है आपके सोलमेट और कैसी है उस पर्सन की पर्सनैलिटी। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल टू, हो कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू शुरू करेंगे, तो देखते हैं कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी, नेचर वगैरह कैसा है, एंड ये पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे और कितने सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है? सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए, क्या है इनकी पर्सनालिटी, कैसा है इनका नेचर। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कार्ड आ चुका है, एंड ये जोडिक साइन है, मैं जोडिक साइन भी आपको बता देती हूँ, सब कुछ बताऊंगी। दिस वन, ऑलराइट, हाउसेस के कार्ड काफ़ी हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके लाइफ में जो इंटर करने वाले लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि वो तीन या चार लोग भी हो सकते हैं, ठीक है? ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और तीन और चार में से कोई एक ही जो है ना वो आपके सोलमेट पार्टनर बनेंगे, ठीक है? बाकी जो होंगे वो सारे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है? और कनेक्शन कैसा होगा, तो ऑफकोर्स फ्रेंड्स के साथ तो अच्छा ही कनेक्शन होगा, क्योंकि वो आपके सोलमेट भी होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो ना, आप लोग बहुत लकी हो, और कहीं ना कहीं आपके ये ग्रैटिट्यूड करने की वजह से, जो आप कंटिन्यूसली ग्रैटिट्यूड करते हो ना, कमेंट में भी करते ही हो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट में थैंक यू लिखते हैं यूनिवर्स को, ठीक है? और जिस तरीके से आप थैंक यू यूनिवर्स को लिखते हो ना, तो यूनिवर्स जो है, जो भी आप मैसेज देते हो ना, उसका हर एक मैसेज का एक फ्रिक्वेंसी होता है, और वो फ्रिक्वेंसी जाता ही है यूनिवर्स में। तो जो भी आपने ग्रैटिट्यूड किया है ना, ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, देखिए कार्ड में ही खुद है, ठीक है? तो जो मेरे इंट्यूशन आपको बता रहे हैं, वो मैं आपको बताते जा रही हूँ, जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। तो जो आपने ग्रैटिट्यूड किया है ना, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, और रिवॉर्ड के तौर में ये पे जो है ना, ये सारे पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हो। सबसे पहली बात, कुछ ऐसे होंगे दो तीन जो कि आपके फ्रेंड बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि कहीं कॉलेज स्कूल में जाओ, या वर्क प्लेस पे जाओ, कहीं बाहर निकल जाओ, कहीं मॉल चले जाओ, ठीक है? तो हो सकता है कि वो लोग आपको मिल जाएंगे। हो सकता है जिम ज्वाइन करने वाले हो, कहीं योगा क्लास ज्वाइन करने वाले हो, या फिर कुछ भी नया शुरू करने वाले हो, या कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो, वहाँ पे भी वो पर्सन आपको मिल सकते हैं जो कि आपके दोस्त बनेंगे। और जो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले सोलमेट है, स्पेशली उनके बारे में मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बताऊँगी, ठीक है? और सारे सोलमेट के बारे में आपको बताऊँगी कि वो लोग आपको कहाँ मिल सकते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है? तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड जो आप कर रहे हो ना, उसको कंटिन्यू रखिए। जो ग्रैटिट्यूड सेंड कर रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए, ठीक है? या फिर जिसको भी आप हायर पावर को मानते हो, उनको लिख के बिल्कुल कह दीजिए, और वीडियोस को बिल्कुल लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए इसको, ठीक है? तो यूनिवर्स जो है ना, आपको सेलिब्रेट करने का, लाइफ को इंजॉय करने का ना मौका दे रहा है, ठीक है? क्योंकि आपने इतना सारा ग्रैटिट्यूड किया है, तो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? मैंने आपको पहले बता दिया, फ्रिक्वेंसी होती है, वो जा रही है, और उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली में है कैसे। ओके, सबसे पहली बात, ये पर्सन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा दिल खुले होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओपन हार्टेड पर्सन होंगे, इतने बड़े सपोर्टर दिखाई दे रहे हैं। जैसे लोग होते हैं ना, कि अगर एक बार कमिटमेंट देते हैं तो क्या करते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है? भाग जाते हैं, फिर उसके बाद कमिटमेंट वगैरह सब भूल जाते हैं, एक बार उनका मतलब पूरा हो जाए तो। कुछ लोग ऐसे आपको मिले होंगे आपके लाइफ में,
एक बार अगर उसका मतलब आपने पूरा कर दिया होगा, उसकी हेल्प कर दी होगी फाइनेंशली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से, अगर जिस भी तरीके से वो चाहते थे उसका सपोर्ट कर दिया, वो भाग गए होंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने फेस किया है अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन अब ये जो पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, ये सुपर वाले सपोर्टर दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा दिल खोल के लोगों की सपोर्ट करते होंगे, प्यार करते होंगे, चैरिटी करते होंगे, हेल्प करते होंगे नीडी पीपल की, ऐसी एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, ठीक है। और हाँ, सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना, 1% का भी किसी से उतना एक्सपेक्टेशन लगाते ही नहीं है, क्योंकि ये किसी की भी मदद करते हैं ना तो ये सोच के करते हैं कि अगर मैं अभी ये मदद कर रहा हूँ, अगर मैं ये मदद कर रही हूँ, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, मैं दोनों तरफ से बोल देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं कमेंट में कि यार ये सिर्फ फीमेल के लिए, ऐसा नहीं है, मेल देख रहे हैं, आपके लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, LGBT की कम्युनिटी है, सभी के लिए है। तो बात यहाँ पर यह है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत सपोर्टिव होंगे, ठीक है। और हाँ, ये भी है कि ये जो पर्सन है आपको हर एक फील्ड में सपोर्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि इनके पास बहुत पैसे हो, फाइनेंशली भी सपोर्ट करे, मेंटली भी सपोर्ट करे, तो हर तरीके से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि आपके ये जो पर्सन है इनको हर एक चीज़ परफेक्ट पसंद होगा अपने लाइफ के लिए, ये नहीं चाह रहे कि मुझे ये परफेक्ट चाहिए, वो परफेक्ट चाहिए। अगर ऐसा होता ना तो ये कभी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं, ना ही किसी को उतना सपोर्ट करते, है ना। लेकिन ये जो पर्सन है ये बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं लोगों को इम्प्रेस करना, ये वाली एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। और दूसरी बात, ये जब किसी को हेल्प करते हैं, चैरिटी करते हैं ना, तो कोई 1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि मुझे उससे कुछ मिल जाएगा। अगर हेल्प भी करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, मैं ले रही हूँ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं दिल खोल के हेल्प कर रही हूँ, दिल खोल के हेल्प कर रहा हूँ, तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इनके बहुत सारे बड़े भाई बहन हो सकते हैं, मतलब ये जो पर्सन है इनके बहुत सारे जो है ना ओल्डर सिबलिंग्स हो सकते हैं, या तो ये सबसे छोटे होंगे अपने घर में जो आपके सोलमेट है, और या तो सबसे बड़े होंगे, या तो सबसे ओल्डेस्ट या तो सबसे एल्डेस्ट, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये सबसे छोटे भी हो सकते हैं आपके जो सोलमेट होंगे, ठीक है। जो भी है, छोटे हो या बड़े हो, इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है अपने लाइफ में, क्योंकि ये हमेशा से परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि मैं अपने आप को कैसे परफेक्ट बनाऊं हर एक चीज़ में। और कम से कम परफेक्ट नहीं भी बनाते हैं ना तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं और एकदम बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनको वर्क करना, टीम वर्क करना बहुत पसंद है, अपने भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। अगर इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो इनका फैमिली होगा, इनके लव वंस होंगे, इनके वेल विशर होंगे, सपोर्टर होंगे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फैमिली से ही प्यार करते हैं, अगर कोई अच्छे दोस्त है, कोई जिगरी दोस्त है जो इनके इनके लिए ना जान भी दे देगा, तो ये भी वो कर सकते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही प्यार फ्रेंड्स के बीच में भी होगा, अगर कोई पक्के दोस्त होंगे तो। मुझे तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनके तो बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है, क्योंकि ये है बहुत अच्छे जो आपके सोलमेट हैं। तो यहाँ पे कहना ये है कि जब आप इनके लाइफ में इंटर करोगे तो सबसे पहले ये पर्सन आपको कोई लड़की या कोई लड़का नहीं समझेंगे, बल्कि ये जो पर्सन है आपको अपना फैमिली मानना शुरू करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 11 डेज लगेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, 11 डेज लगेगा, 11 डेज के अंदर ही आप दोनों की बाउंडिंग, या फिर 33 डेज लग सकता है, एंड इसी कुछ दिनों के अंदर ना आप दोनों की बाउंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब कि पहले तो फ्रेंडशिप ही होगा, ऑफकोर्स फ्रेंडशिप से ही शुरुआत होती है, तो काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप वाला बाउंडिंग बनेगा, एक दूसरे को बहुत समझोगे, आप भी इस पर्सन को अपना फैमिली मेम्बर ही मानोगे और ये भी आपको अपना फैमिली मेम्बर मानेंगे। और जब फैमिली मेम्बर मानेंगे तो ये आपसे अपने हर एक बातें शेयर भी करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईजली ट्रस्ट करने वाले पर्सन है, काफ़ी जल्दी ये ईजली लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, कोई बाहर के हो तो उस पर भी ये पर्सन ईजली ट्रस्ट करते हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, धोखा वगैरह तो अभी तक नहीं मिला है किसी से, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये ईजली ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर इनसे इनकी फैमिली या मम्मी पापा पेरेंट्स कोई भी अगर कुछ कह दिया कि थोड़ा सा मेरे लिए काम कर दो, मेरे लिए ये ले आओ, तो ये अपना काम छोड़कर जो है ना ये चले जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो है ना इंसान, जो इंसान होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटी में बिलीव रखने वाले ये पर्सन है, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ सोशल वर्कर तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं आपको
ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि नेचर कैसा होगा, कोई समझ में आएगा ना, तभी तो आप इस पर्सन के साथ अपना कंपैटिबिलिटी शुरू करोगे, बाउंडिंग बनाओगे। नहीं तो ऐसे किसी के साथ थोड़ी अपना बाउंडिंग बना लोगे। मैं तो आप सभी को यही बोलूंगी कि कभी भी आपके लाइफ में कोई पर्सन एंटर करते हैं ना, सबसे पहले एकदम आप बाउंड्री क्रिएट कर लो, अपने ऑरा को लॉक कर लो, अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर लो, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और हो सकता है कि दिल का जो है, हो सकता है वो चोर निकल जाए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो लुक्स वाइज बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव है, अच्छी है, अच्छा है दिखने में, लेकिन दिल का ही उतना बुरा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि किसी को भी अपने लाइफ में लाने से पहले पहले देखना चाहिए कि वो कैसे हैं। मैं हूँ ना यहाँ पे आपको बताने के लिए, तो आप देख सकते हो। मैं ये रीडिंग जो है ये तो बहुत स्पेशल है, उसके साथ साथ और भी स्पेशल रीडिंग है, लाइक पर्सन ऑन योर माइंड। अगर कभी ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो अपने दिमाग में उस पर्सन को बैठाइए, और जो मैं रीडिंग डालती हूँ उसको जाके देख लीजिए, पर्सन ऑन योर माइंड। और ये जो इंड होगा रीडिंग, उसके लास्ट में मैं लगा दूंगी, ठीक है, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या ये पर्सन आपके बारे में भी अच्छा सोचते हैं या नहीं, उसका क्या ट्रू इंटेंशन है, वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ, आप देख लीजिएगा। कभी भी आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन इंटर करे, फटाक से वीडियो खोलिए, देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। वेल, यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपके लाइफ में जो पर्सन इंटर करने वाले हैं वो बहुत रिच पर्सन होंगे, बहुत इज्जत करते होंगे, आपकी क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बातें करेंगे। तो जब भी आप दोनों की एक दूसरे के लाइफ में एंट्री हो रही है तो बहुत पैशनेट कनेक्शन भी होगा, ठीक है, और ये जो पर्सन है आपको एक अच्छा दोस्त मानेंगे, बेस्ट फ्रेंड भी बना लेंगे, और इसके बाद रिलेशनशिप डेवलप होके आप लोग चले जाओगे एकदम पक्का वाला शादी वाला कमिटमेंट में। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो बिल्कुल आपको एकदम परफेक्ट दिखेंगे, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट, इनका जो सोलमेट का क्राइटेरिया है ना उसमें आप परफेक्ट बैठते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है थोड़े से नर्वस होने वाले पर्सन हो सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि थोड़े से शाई हो सकते हैं, हो सकता है जब फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपसे मिले, पानी वगैरह पी रहे हो सकता है गलती से इनके हाथ से ग्लास वगैरह छूट कर गिर जाए, कॉफ़ी छूट कर गिर जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको देख कर नर्वस हो जाए, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो एनर्जी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, ठीक है, ये मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, मल्टी टास्कर हो सकते हैं, हो सकता है कि अपने फैमिली बच्चों को हंसाने के लिए कभी जोकर बन जाए, कभी आपके लिए एकदम बिल्कुल हीरो बन जाएंगे, किसी को बचाना हो तो हीरो बन जाएंगे, ठीक है, किसी और आपसे प्यार करना हो तो एक रोमांटिक पर्सन बन जाएंगे, आपके ट्रू लवर बन जाएंगे, कमिटमेंट देने को रेडी हो जाएंगे, तो वर्सेटाइल एनर्जी है। और अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो उसके सामने, मतलब अपने पेरेंट्स के सामने जो है एक अच्छा बेटा बन जाएंगे, एक अच्छी बेटी बन जाएगी, तो इस तरह की एनर्जी होगी इस पर्सन की, ठीक है। थोड़े बहुत नर्वस रहते होंगे, कभी कभी हो सकता है जब कुछ बहुत स्पेशल इनके लाइफ में होने वाला है तो उस टाइम ये नर्वस हो जाते होंगे, ठीक है, जैसे लाइक कुछ अवार्ड मिलने वाला है तो उस समय नर्वस हो जाना, हो सकता है जब फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो नर्वस हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जब भी आपसे फर्स्ट टाइम बातें होगी, वीडियो कॉल पे बातें होगी, सामने बातें होगी, ये घबराएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हो सकता है कि क्यों घबराएंगे, इसके पीछे का क्या रीज़न, इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन घबराहट होती है जब आप अपने सोलमेट से मिलते हो एंड ट्रू लव से मिलते हो ना, तो थोड़ी सी होती है, जैसे आप किसी को पसंद करते हो, फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हो, अगर आप कभी मिले होगे तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ, तो वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होगे या फिर घबराओगे आगे आने वाले टाइम में जब आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है आपके लिए दिस वन, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं भी बाहर चले जाएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ना 10-15 दिन बाहर रह पाते होंगे, और फिर होता होगा इनको होम सिकनेस, वापस लौट के अपने फैमिली के पास चले आते होंगे, और ये कहीं भी चले जाएं तो अपने फैमिली को लेकर ही जाएंगे, कहीं शिफ्ट होंगे तो फैमिली को लेकर जाएंगे। और ये बात मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि अगर इस पर्सन से आपकी शादी होती है तो मे बी आपको जो है इन लॉज के साथ रहना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लॉज बुरे होंगे, इन लॉज बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, संस्कारी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, रैशनल फैमिली होगी इनकी, ठीक है। एक चीज़ है कि ये रियल इस्टेट में हो सकते हैं आपके पर्सन, ये चांसेस है, और हो सकता है कि इनकी फ्री फैमिली हो, ये भी हो सकता है, या फिर इनके भाई बहन भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रियल इस्टेट हो सकता है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी इनकी खुद की हो सकती है, ठीक है, काफ़ी अच्छे धन दौलत हो सकते हैं, इनका कोई बड़ा फार्म हो सकता है, ठीक है, फार्म हाउस हो सकता है, और वहाँ पे हो सकता है फार्म में भी इनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस चलता हो, ठीक है, ये भी चांसेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ठीक है, प्रॉपर्टी वाले बहुत ज़्यादा होंगे। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ और इनके फैमिली में रिलेटिव का आना जाना लगा रहता होगा,
तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हलचल रहता होगा इनके घर में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहती होंगी। और जब आप इनके फैमिली में कभी मिलोगे ना, तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक से एक कैरेक्टर है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास बहुत सारे गाड़ियाँ वगैरह हो सकती हैं, बहुत सारे बाइक हो सकते हैं, इनके पसंद के होंगे। ऐसा नहीं कि बस किसी को भी खरीद लिया, कुछ भी खरीद के ले आया, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पसंद के बहुत सारे इनके पास गाड़ी वगैरह हो सकते हैं, कार हो सकते हैं, बाइक हो सकती है। सो यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेटेरियलिस्टिक थिंग्स से भरपूर होंगे। तो जिस तरीके से जब आप इस पर्सन के लाइफ में जाओगे, तो ये पर्सन भी आपको मेटेरियलिस्टिक थिंग्स से भरपूर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, और हैप्पीनेस बहुत होगा आप दोनों के बाउंडिंग में। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। और आप दोनों के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी मैं देख पा रही हूँ। देखिए, ये है कि आप इस पर्सन को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाओगे। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिल के थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं, आपसे और भी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। अगर आप इमोशनल हो, तो आप इतना जान लो कि आपसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप डोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और कभी झूठ बोलने की भी कोशिश करेंगे तो आप तुरंत पहचान लोगे, तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि कभी इन्होंने कोशिश की ही नहीं है लाइफ में। हो सकता है कि आप इनसे पूछोगे कि क्या तुमने आज ये काम किया, मैंने तुम्हें बोला था ये करने को, तो हो सकता है वो घबरा के बोलेंगे और आप तुरंत पहचान जाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पे चलेगा, एंड ये छोटा मोटा चलना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत कभी नोक झोंक भी हो ना, तो जब दोबारा आप लोग रिलेशन में आओ, रिकॉन्सिलेशन हो, तो और भी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो बैलेंस का कार्ड भी है, एंड आपका बैलेंस भी होगा। ये पर्सन एक लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इनको खुद का बुक कलेक्शन रखना बहुत पसंद होगा। इनके घर में खुद एक लाइब्रेरी इन्होंने बनाकर रखी है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो करेजियस बहुत होंगे। किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर इनको रीज़न मिल जाए, और रीज़न फैमिली हो, प्यार हो, अगर आप रहोगे, तो कुछ भी करने को ये रेडी होंगे, ठीक है। देखिए, बिना रीज़न के दुनिया में कोई कुछ नहीं करता है, ठीक है। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो ये जो है, इनको करेज भी मिलता है अपने फैमिली से, ये करेजियस भी है, तो अपने फैमिली के वजह से। सो यहाँ पे इनकी करेज की बात की जाए, विल पावर की बात की जाए, भर भर के है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो आपके साथ बिताई हुई छोटी छोटी बातें, जो इन्होंने बातें की हैं, जो कन्वर्सेशन है, वो सब कुछ रखेंगे अपने पास। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके साथ कोई फोटो क्लिक करेंगे या फिर कुछ भी, तो हर एक पल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो हर एक मेमोरी को वो संभाल कर रखेंगे। ये चीज़ है, इनके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। ये हमेशा हम कुछ ना कुछ शॉर्ट जर्नी वगैरह करते ही रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है शॉर्ट जर्नी में आपको ये पर्सन कहीं लेकर जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपके साथ जा सकते हैं। आपको लेकर जाएंगे, आपको ऑफर देंगे, आपको टिकट भिजवा सकते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। अगर ये किसी और स्टेट में रहते हैं और मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, ऑनलाइन मिले हो सकता है कि आपके लिए टिकट वगैरह बुक कर दें, आपको बुला लें, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि वो आपको अपने बाइक में या फिर गाड़ी में बैठाकर जो है आपको घुमाएंगे, पूरे शहर दिखाएंगे, ब्यूटीफुल प्लेसेस दिखाएंगे, और आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ये भी हो सकता है। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, मैंने ये कार्ड तो डिस्कस हो चुका है, मैं आपको ये बता देती हूँ, ये यहाँ पे है दिस वन। सो बैलेंस कार्ड ये बता रहा है कि बहुत हारमोनियस आपका रिलेशन होगा, ठीक है। और ये यूनिवर्स के द्वारा ब्लेस्ड रिलेशन दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी प्योर भी रिलेशन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा सच्चाई है, और सारी चीज़ें जो भी थिंग्स इसमें हो रही है, मैजिकल चेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। और काफ़ी स्मूथली चल रहा है, काफ़ी स्मूथ होगा, और साथ साथ काफ़ी पीसफुल भी होगा। ये कार्ड ही आप देखो कितना ब्यूटीफुल है, एंड कार्ड से ही पता चल रहा है कि आपका रिलेशन कितना ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है आपके लिए दिस वन। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, उतना जल्दी आप इस पर्सन को अपने लाइफ में आकर्षित करते जाओगे, पाते जाओगे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन आपको 6-7 महीने बाद मिलेंगे, वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप चाहते हो कि 1 महीने के अंदर मिल जाए, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कीजिए। और मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को मैनिफेस्ट किया है, और अगर किसी को मैनिफेस्ट कर ही लिया है, तो भगवान ने भी ये सोच लिया है, यूनिवर्स ने भी ये सोच लिया है कि यस, आपको भेजने ही वाले हैं उसके लाइफ में, या फिर उस पर्सन को आपके लाइफ में, ठीक है। और बात तो वही हुई, और जब भी भेजेंगे तो आप दोनों को बहुत खुशी के साथ भेजेंगे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी,
और इस तरीके से आपके मैनिफेस्टेशन पूरे भी होने वाले हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ काफ़ी ज़्यादा डिटेल प्लानिंग प्लानिंग करेंगे, जैसे कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, फ्रेंडशिप करना है, रिलेशनशिप वगैरह जो भी होगा ना, वो दिल खोल के बोलेंगे, कुछ भी छिपाने वाले पर्सन नहीं है इनके। इस पर्सन के अंदर ना मुझे कोई खोट नहीं दिखाई दे रहा है, इंटेंशन बहुत प्योर होगा, क्योंकि इनके पास जो है ना काम ही बहुत है कि क्या ये काम को छोड़कर जो है षड्यंत्र करेंगे, बड़ा बड़ा प्लानिंग वगैरह करेंगे, किसी को फंसाने का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पर्सन तो है बिजी अपने लाइफ में, लेकिन बस चाहते हैं कि कोई पार्टनर मिल जाए जिसके साथ मैं शादी करूँ, सेटल हो जाऊँ, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेल देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू। सोडियक साइन देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, गिव मी सोडियक साइन। यहाँ पे एरियस आ चुका है, फायर साइन के भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे आपके लिए फायर साइन है एंड यहाँ पे एयर साइन है, ठीक है। एयर साइन आपको यही बता रहा है एरिस कि आपके जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट बहुत होंगे, ठीक है। अगर प्यार की बात की जाए तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, और अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन अगर पैसे वैसे की बात की जाए ना तो पूरा का पूरा फैमिली इनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होंगे, प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, ठीक है। बिजनेस तो हो सकता है इस पर्सन का, मैंने आपको बताया रियल इस्टेट वगैरह हो सकता है इस पर्सन का। उसके साथ साथ बहुत करीजियस होंगे, उसके साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने बॉडी केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एप्स वगैरह हो सकता है, पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं और लीडर दिखाई दे रहे हैं अपने फैमिली में, मैंने आपको बताया, या अगर सबसे छोटे भी होंगे या अगर सबसे बड़े भी होंगे तो ये लीड करते होंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर्सन का जोडियक साइन टॉरस हो सकता है, नेचर लवर होंगे, मतलब ये ना मंथली या वीकली, मैंने आपको बताया ना कि शॉर्ट जर्नी करते ही रहते होंगे, क्योंकि इनको ना बिना घूमे फिरे मन ही नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर अपने आपको रिफ्रेश करना है, अच्छा करना है, तो ये ना घूमते फिरते रहते होंगे, ठीक है। कभी हो सकता है कि कभी ऋषिकेश चल जाते होंगे, कभी कहीं चले जाते होंगे, कभी फॉरेन चले जाते होंगे, तो उनको जो भी इच्छा है वहाँ पे ये चले जाते होंगे, कभी साउथ इंडिया चले जाते होंगे, कभी नॉर्थ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, तो सारी ही जगह ब्यूटीफुल है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हो सकता है कि ये फॉरेन जाना भी बहुत पसंद करते होंगे, यूरोप जाना स्पेशली काफ़ी पसंद करते होंगे, ये चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच का अगर कनेक्शन देखा जाए, फिजिकल कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन बहुत माइंड ब्लोइंग होगा, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत प्यार करेंगे और बिल्कुल आपके प्यार में पागल हो जाएंगे, वो एनर्जी दिखाई दे रही है, बिल्कुल इनकी ज़िद्द हो जाएगी कि मुझे तुमसे ही शादी करना है, और उसके साथ साथ ये भी ज़िद्द हो सकता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाओ, ठीक है। जब भी आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत नोक झोंक भी होगा तो हमेशा ही ये बोलेंगे मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है। तो ये पीसफुल एनर्जी आप दोनों के बीच में बने रहेगी, और ये पर्सन आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, इनकी इच्छा होगी कि चलो अब ज़िंदगी में कुछ और भी किया जाए, तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नए स्किल्स सीखते रहने वाली ये पर्सन है। उसके बाद यहाँ पे वर्गो है, सो वर्गो भी इस पर्सन का जूरिक साइन हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा घरेलू पर्सन है, ठीक है, ये चीज़ है, एंड काफ़ी शाई पर्सन है, थोड़े घबराने वाले पर्सन हो सकते हैं, फर्स्ट टाइम मिलेंगे घबरा सकते हैं, हर एक चीज़ इनको एकदम क्लीन चाहिए, बिल्कुल क्लीन, ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लीन घर चाहिए, बिल्कुल क्लीन बेडरूम होना चाहिए, इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। ऑलराइट, पास्ट जो है ना इनकी फैमिली की भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और ना ही इनकी अच्छी दिखाई दे रही है। हो सकता है चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, हो सकता है थोड़े बहुत पैसे के प्रॉब्लम रहे होंगे, लेकिन अब तो बहुत फ्री हैं, ठीक है। तो मतलब कहते हैं ना एवरी क्लाउड हैव अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही चीज़ है, ठीक है। तो खुशियाँ आ चुकी हैं, जितना प्रॉब्लम फेस करना था कर लिया है इन्होंने, इनके फैमिली ने। उसके साथ है यहाँ पे दिस वन, वाओ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, वाटर की एनर्जी है। तो वाटर कैसा होता है, बिल्कुल प्योर होता है, कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही इस पर्सन के साथ आपका प्यार दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ इनका नेचर भी वैसे ही होगा, इस पर्सन का इंटेंशन भी बिल्कुल एक वाटर की तरह होगा, पवित्र प्यार जो है एकदम क्लियर होगा, ठीक है, ये चीज़ है। और बहुत ही ज़्यादा कूल नेचर के ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कूल, ठीक है, ये भी है। और देखते हैं कि क्या इस पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जोडियक साइन इस पर्सन का हो सकता है लिब्रा। सो लिब्रा तो ये बिल्कुल क्लियर कर दे रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चांसेस है लियो, तो आपके जो पर्सन है ना गजब की इस पर्सन के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होगी, खींचे चले जाओगे इस पर्सन की तरफ, आप रुक नहीं पाओगे अपने आप को, एंड स्कॉर्पियो भी इस पर्सन का जोडियक साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हंसी मजाक करना बहुत पसंद होगा, वैसे
ऐसा नहीं कि सभी के साथ करते रहते होंगे, लेकिन हाँ करते बहुत होंगे, बहुत टॉकेटिव भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये पर्सन माफ़ी भी बहुत जल्दी देते होंगे। गुस्सा अगर देखोगे ना इनका, तो यूँ शांत हो जाएगा गुस्सा, इस तरह का गुस्सा हो सकता है इस पर्सन का। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, लॉयल है, काइंड है, और अपने डिग्निटी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के इनके तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि कोई ना कैसे भी करके मेरे लाइफ में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनके घर के अगल बगल छोटे बहुत थोड़े बड़े हो सकता है, रिवर वगैरह तो होंगे तो बहुत बड़े ही होंगे, या फिर हो सकता है लेक वगैरह हो सकते हैं, पाउंड वगैरह हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं बाउंडिंग कैसी होगी आप दोनों की। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कैसी होगी इन दोनों की बाउंडिंग, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है सक्सेस एंड ग्रोथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है खुद बहुत ज़्यादा ग्रोथ किए हैं अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो। और सिंपली अगर देखा जाए तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखो, तो इस कार्ड में आप देख रहे हो कि एक जो पौधा है वो निकल चुका है, और अब ये पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। और इस पे आप लीफ देख रहे हो, पत्ते देख रहे हो, वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका दोस्ती, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। और इस ग्रोथ में बहुत लोग सपोर्ट करने वाले हैं, इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ये पर्सन एक लीडर होंगे, मैंने आपको बताया। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सब कुछ अपने लाइफ में सेटल हो चुके हैं, बस इनको शादी करना है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, तो ये आपके सोलमेट होंगे। उसके साथ साथ ये आपको बहुत ज़्यादा नर्शर करेंगे, पैम्पर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। चैलेंजिंग टाइम में ये पर्सन आपके साथ होंगे, और जब तक आपके लाइफ में जॉय, स्टेबिलिटी, खुशियाँ ना आ जाए, ये आपके साथ ही होंगे। मतलब ये आपके चैलेंजिंग टाइम में भी है और आपके ये खुशियों के टाइम में भी है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक प्रोफेसर, टीचर भी हो सकते हैं। एंड देख सकते हो कितना ब्यूटिफुल कार्ड है, हील का कार्ड है। मतलब कि ये जो पर्सन है आपको पूरी तरह खुश करने के लिए, हील करने के लिए, आपको आपके पास से छुटकारा दिलाने के लिए, आपको आपके चैलेंजिंग टाइम से निकालने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। दूसरी बात, ये पर्सन आपके टीचर भी हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि स्कूल वाले टीचर या कॉलेज वाले टीचर है या फिर कोई इंस्टीट्यूट क्लास वाले, लेकिन हाँ ये आपके लाइफ में एक सही मायने में एक यूनिवर्स के, कह सकते हैं, द्वारा भेजे गए टीचर हैं, जो कि आपको बहुत सारे लाइफ के बारे में चीज़ें बताएंगे। एंड यहाँ पे ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड है। मतलब कि इस पर्सन के साथ अगर आपने कोई सपना देखा है तो आपका पूरा होगा। मतलब आपने सोचा हुआ ना कि जिससे मेरी शादी होगी, जो मेरे सोलमेट होंगे, या फिर जिससे मेरी अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है, वो कैसे हो, बहुत सारे सपने होंगे आपका लव लाइफ से रिलेटेड, वो सारा सपना आपका पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें पूरा का पूरा हाथ किसका है, आपकी फैमिली का है, आपका खुद मैनिफेस्टेशन का है, ठीक है। और यहाँ पे या यूनिवर्स जो है आपकी हर एक विश पूरी कर रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक लास्ट कार्ड लेंगे, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एंड यहाँ पे दिस वन, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत रिलैक्सेशन भरा आपका लाइफ होगा, और ये जो प्यार है आप दोनों के बीच का, आपके सोलमेट के साथ, वो सारा प्यार हमेशा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जो भी आपके लाइफ की सैडनेस है, आइसोलेशन है, वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। देखते हैं ये पर्सन कब तक आपके लाइफ में इंटर करेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इनके लाइफ में कब तक इंटर करने वाले हैं सोलमेट इनके, देख लेते हैं। ऑटम सीजन हो सकता है कि जून, बस जून खत्म ही होने वाला है, फरवरी, हो सकता है कि फरवरी के मंथ में अगर आए हैं तो हो सकता है कि यही हो आपके सोलमेट। अगर कोई प्रपोजल वगैरह आया, शादी का प्रपोजल आया है, तो हो सकता है, हो सकता है 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में ये पर्सन मिले होंगे, या रेनी सीजन में मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद है, या फिर विद इन 3 वीक ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ऑनलाइन कोई मैसेज वगैरह आपको मिल सकता है। और देखते हैं विद इन 2 मंथ, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस हैं। एंड लास्ट वन इज़ विंटर सीजन, मे बी ये विंटर सीजन में भी आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, देखते हैं ये पर्सन कौन से कंट्री के हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कहाँ से हो सकते हैं इनके पर्सन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ पे इजिप्ट है, ब्राज़ील, ओके, यहाँ पे इंडोनेशिया, आइसलैंड, यूएसए, स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूके, नेपाल, एंड 2-3 लास्ट देख लेते हैं वो आपका, डेनमार्क। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स।
कहाँ से हो सकते हैं इनके पर्सन, मे बी इंडिया के हो सकते हैं या फिर चाइना, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं आपके पर्सन, यहाँ से आपके सोलमेट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है लुक्स वाइज कैसे हैं। सबसे पहले डार्क आइज है, अमेजिंगली ब्यूटिफुल क्लोज सेट आइज, एंड देन है यहाँ पे फ्रिकलेस एनर्जी है इस पर्सन की, एंड रेड हेयर, इसमें नेचर एंड लुक्स दोनों ही हैं। सो यहाँ पे आपके जो पर्सन है फुल लिप्स होगा इस पर्सन का, एंड ये पर्सन का वेवी हेयर हो सकता है, एंड ये पर्सन का ब्लॉन्ड हेयर भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं, एंड देन है स्वीट होंगे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, एंड देन आई फुल होंगे, सॉफ्ट हार्टेड होंगे, मैंने पहले ही बता दिया, फैब्यूलस होंगे, अम्यूजिंग, मस्क्यूलर, ऑलराइट। देन यहाँ पे क्यूटी पाई है आपके पर्सन, स्लेंडर, गुड लुकिंग, एंड एक लास्ट है वो आपका वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छा आया लास्ट में। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है कब आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी देखते हैं। फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपको मिलेंगे अब्रॉड, कैफे में मिल सकते हैं, कैफे कॉफी डे, रेलवे स्टेशन, मार्केट, या फिर म्यूजियम में, फूड कोर्ट, मॉल वगैरह मिल सकते हैं, अदर कंट्री, वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, मॉस्को, सिनेमा, होटल, डिस्को, बुक स्टोर, ऑफिस, शोरूम, एयरपोर्ट, पार्क, पार्टी, हॉस्पिटल, एंड एक लास्ट है वो है आपका स्कूल, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन किसी सिलसिले में स्कूल गए हैं, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल किसी का एडमिशन वगैरह कराना है अपने घर में, किसी के बेबी का, बच्चे का, ठीक है, टोडलर वगैरह का, तो हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ प्रोफेशन देख लेते हैं। सो प्रोफेशन है यूट्यूबर, मैकेनिक टेक्नीशियन, म्यूजिशियन, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, व्लॉगर, सिंगर, राइटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोरियोग्राफर, जज, बिजनेस में हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर, म्यूजिक कंपोजर, एंड योगा इंस्ट्रक्टर है, इंजीनियर है, नेवी ऑफिसर है, एंड एक लास्ट है आपका सिविल सर्वेंट, ओके, बहुत सारे आ गए हैं, डॉक्टर, एयर होस्टेस, एडवोकेट, ठीक है। हो सकता है कि लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं ये पर्सन। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका स्टेट क्या है, स्टेट कौन से स्टेट के हो सकते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़, मिजोरम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद है आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, तेलंगाना, मेघालय, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, ठीक है, स्टेट्स देख लिया आपने। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनिशियल क्या है, देख लेते हैं नेम इनिशियल इस पर्सन का। गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले पी वी आई डब्ल्यू ओ एच एक्स टी एन ई एफ एम सी एंड एक लास्ट है आपका आर, ठीक है, ऑलराइट। सो मैं आपको सॉन्ग बता देती हूँ कि ये पर्सन आपको कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, आप सुन सकते हो और आपका हो सकता है मूड बन जाए, ठीक है। सो देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले अगर तुम साथ हो, अलका याग्निक सॉन्ग है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वन डायरेक्शन, इन दिनो, लाइफ इन अ मेट्रो, बहुत ब्यूटिफुल सॉन्ग है, ठीक है, वेन अ मैन लव्स अ वुमन, I wanna grow old with you, West Life का song है, and then है ढलने लगी है रात, सोनू निगम, और देख लेते हैं, दरअसल आतिफ असलम का song है, last one is, दो है यहाँ पे, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, एंड यहाँ पे है तेरे बिन, जिमी सेरगल का song है, एंड जिमी सेरगल तो एक्टर है, ठीक है, तो उन्होंने इस सॉन्ग में एक्टिंग किया होगा, सो ऑलराइट। तो ये सारे सॉन्ग्स जो है आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि इसी तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ, ठीक है, और अपना सपोर्ट दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के मैं आपके लिए डिटेल रीडिंग बनाती हूँ, ऑलराइट। सो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।